वेल, अहिले एउटा यस्तो टाइम छ अहिले है जहाँ चाहिँ म युट्युबलाई लिएर एकदमै सिरियस छु एन्ड आई एम मेकिङ मोर एन्ड मोर कन्टेन्ट्स दिस डेज है. अन्त डेली भ्लग्स पनि इट्स अन क्या, अब डेली भ्लग्स हाल्ने हो है. अनि मेरोबाट चाहिँ एफोर्ट जाँदैछ, तपाईँहरू पनि कृपया गरेर अलिकति एफोर्ट देखाइदिनुहोस् च्यानलमा होइन. सब्सक्राइबर साह्रै कम्ती छ, अनि इफ यु आर वाचिङ द भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है. त्योहरू कुरा छोडौँ, मैले इन्ट्रोदेखि थालौँ. हेलो गाइस, दिस इज बी एन्ड यु वाचिङ बी ब्लग्स. इन्ट्रो पनि साह्रै सानो छ, इफ यु हेभ सम सजेसन्स भनिदिनु होला अलिक राम्रो इन्ट्रोको लागि, म पनि सोध्छु तपाईँसम्म होइन. इन्ट्रो सिन्ट्रो छोडौँ मैले, अनि आजको मेन कुरा चाहिँ आज चाहिँ म कलेज जानेवाला छु एज युजल. अब देखाउने त त्यही नै हो, कलेज त जानै पऱ्यो होइन, ब्लगै बनाएर बस्नु त भएन होला. अन्त कलेजमा चाहिँ के हुन्छ एकदम डिटेल्ड नन स्क्रिप्टेड भिडियो म बनाइहाल्छु एउटा होइन सानो, अनि आई होप यु विल गिभ मी सम सपोर्ट एन्ड एप्रिसिएट इट है. करेज चाहिन्छ क्या पब्लिकमा भ्लग गर्नु चाहिँ, मलाई अहिले थाहा हुँदैछ कति कहाँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ होइन. यो कुराहरू पनि छोडौँ मैले, बिफोर म केही अरू केही कुरा देखाउँछु. मैले एउटा एक दुईवटा सिनेमेटिक सर्ट्सहरू लिएको छु घरकै कुराहरूको होइन, अनि एक्चुअली म एडिटिङ पनि हल्का फुल्का सिक्दैछु नयाँ नयाँ कुराहरू. सो म ट्राई गर्छु मैले के सिकेको छु. यो भिडियो यो सानसानो क्लिपहरू छ है घरमै लिएको, यो चाहिँ स्क्रिप्टेड हो क्लिपहरू, मैले कहीँ राख्दै लिएको क्लिपहरू छ. ओके, सो बिफोर आई डु समथिङ यु जस्ट इन्जोय द सिनेमेटिक्स. ओके, वीडियो में बड़ा पैसे देते हुए हमको पर्स दिखा देते हैं बेनिस, पर्स प्लीज, पर्स एकछिन भित्र देखाउँदिनौ, यो नाम मात्रै हेरिहाल्नुहोस्, हाम्रो भाइको पर्स एन्ड सुदीप लेको पर्स बोक्छ होइन, एउटा केटा मान्छे चाहिँ होइन. सो फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट, चिया चाहिँ खाइहाल्ने होइन. अन्त यहाँ पछि सुदीप देख्नु हुँदैछ, सुतिरहेको छ हो, बिकज भर्खर गान्तोकदेखि आइपुग्दैछ, ऊ चाहिँ बिहान बिहानै हो थाकेको होला, एकछिन रेस्ट गर्दैछ, कलेज चाहिँ जान्छ. ओके, अब चिया खाइहाल्छु पहिला चाहिँ. सो ओके, अहिलेको सिन चाहिँ मेरो हातमा चिया अन्त भ्यू चाहिँ खासै छैन, चिया चाहिँ दामी छ. ओके, वेल, चिया चिया खाइहालियो होइन, यो तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो होला अलिअलि चिया खाएकोहरू. अन्त अब चाहिँ दाजुको दिमाग अलिक स्पिड चल्छ, अब दिमाग चाहिँ केही कुरामा चलाउनु पनि छैन, बट छिटो छिटो रेडी भएर कलेज चाहिँ जान्छ हो. सो आइल क्याच यु कलेजको बाटोतिरको हुन्छ कि कहाँ हुन्छ, जहाँ अब अलिकति कन्भिनियन्स हुन्छ मलाई, म त्यहीँ भेट्छु. ओके, तो भाई लोग अभी का सीन ऐसा है कि हम रेडी ही हो रहे थे ये शर्ट लगा के, लेकिन क्लास कैंसिल होना पड़ा. मैं आपको जो स्क्रीन शॉट होता है वो आपको स्क्रीन में पॉप अप आ रहा होगा, और क्लास तो कैंसिल हो ही गया है. अब 11 से एक क्लास, मैं कुछ घर में ही प्रोडक्टिव करने का ट्राई करूंगा, ठीक है. अभी का सीन ऐसा है कि हमारा क्लास जो है वो कैंसिल हो ही रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है वो लोग, हमको यहाँ परेशानी हो रही है. और क्या हुआ, हम नहीं जाएगा, ये तो जाने से मना कर रहा है. मैं तो थोड़ी देर जाना है, मेरे को एक्चुअली जाना है, पढ़ाई तो नहीं होगा आज, फिर भी जाना ही है मेरे को, एक काम है लाइब्रेरी में. लाइब्रेरी बोले तो एक फॉर्म सबमिट करना है, वो भी करूंगा. और ये बोल रहा है ये नहीं जाने वाला है आज, नहीं जाने वाला है, उधर देखिए बहुत जाम लग रहा है. और उसका पापा देखेगा क्या बोलेगा पता नहीं. नहीं हम जाएगा. अंत दुई खेप तीन खेप भइसक्यो रेडी पनि आज होइन, खोल्दै लाउँदै. सो हम मिलेंगे आपको रस्ते पे सायद, ठिक है. ए अन्त अझै एउटा कुरा, आज चाहिँ मेरो क्विज पनि छ है. क्विज भनेको चाहिँ अब एउटा सानो खालको इक्जाम हो 5 मार्क्सको होइन, जुन चाहिँ अनलाइन बोर्डमा कन्डक्ट गर्दैछ, अनि म त्यो पनि गर्छु. ओके, सो ओके एभ्रीवन, अहिले चाहिँ म क्लासको लागि निस्किँदैछु है. सानो ब्याग छ, आज चाहिँ ल्यापटपहरू केही बोकिनँ, बाटोमा हिलो के बेसी. ओके, चेकआउट द सिनेमेटिक्स अब हल्का. सर होता क्या है, थोड़ा ब्रीफ में बताइए ना. डीए डियरनेस अलाउंस. ओए डियरनेस है, क्या
22, 23, 27, 29. सो ओके एभ्रीवन, अहिले चाहिँ क्लास सकेको छ हौ, अनि हामी चाहिँ पार्कमा छ विथ सम अफ माई फ्रेन्ड्स है। यहाँ एक्जाम हुन आँटेको छ अनलाइन हो, यहाँ मात्रै नेट चल्छ, सो वी आर अल टुगेदर हियर। म भन्दै गर्छु के हुन्छ। ओके सो गाइस, अभी ये च्यानल क्याप्चर हो चुका है, इसको मैंने ह्याक कर लिया बेसिकली, और अब इस पर मेरा कंटेंट आपको देखने मिलेगा। विमोचन, आई नो यू गाइज लाइक विमोचन, बट मैंने उसको अभी साइड कर दिया है बिल्कुल। ये चैनल अब टोटली मेरा हो गया है एंड आई हैव हैक्ड इट, ठीक है। सो गुड लक गाइज, अब आपको जो कंटेंट मिलेगा वो मेरी तरफ से मिलेगा बिकॉज द चैनल इज हैक्ड। तो ओके एवरीवन, क्षितिज ने एक बहुत ही बेकार सा जोक मारा था इसी चैनल पे, इसकी ओर से कोई कंटेंट नहीं आ रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, खाली हमको बोल रहा है। अभी हमारा क्विज स्टार्ट होएगा और हम करेगा, ठीक है। और शायद आप यहाँ देख रहे होंगे हमारे क्लासमेट्स जो कि फोटो ले रहे हैं। ओ माय गॉड। तो भाई आज का टाइम टेबल कैंसिल जो है ना, तेरे को कैसा लगा बोल? यार मजा आ गई भाई, क्लास करने का मन ही नहीं था तेरे को। ना वो कैंसिल नहीं बोल रहा हूँ, जो नौ से बोला था ना, फिर नहीं किया, फिर 10 से बोला, वो भी नहीं किया, 11 से हुआ ना क्लास। खराब करा यार, दिमाग खराब हो गया मेरा बेसिकली। क्या बोले, सभी लोग परेशान है और क्षितिज। बट एनी डे क्लास होती है वो अच्छी लगती है, क्लास सही लगती है, बट जब ऐसे कैंसिल हो जाती है ना, अचानक से मैसेज आता है, सुबह सो के उठो और फिर देखो क्लास कैंसिल है, मूड पूरा खराब हो जाता है। सो ओके एवरीवन, अहिले चाहिँ हाम्रो कलेज छुट्टी भइसकेको छ हो, अन्त हाँसिहाल्ला, अन्त म चाहिँ खाना खाएको छुइनँ हो, उनीहरूले खाँदैछ, हेर्नु सक्नुहुन्छ, प्रज्वल बुबु र म चाहिँ स्पाइस खाँदैछ, उनीहरूकोमा चाहिँ पराठा छ, पराठा कस्तो छ? कस्तो छ? दामी छ कि, तर मलाई यो बेसी मिठो लाग्यो, योमा चिज चिकन हो, मेरो चिकन मात्रै हो नि त। ओके, चिज चिकन एन्ड चिकन, यस। तिमीलाई कस्तो लाग्यो? मिठो लाग्यो हजुरलाई? सो ओके एभ्रीवन, अहिले चाहिँ म सबै क्लासहरू सकेर यहाँ घर आएको छु हो, खाजा सजा खाएर, अन्त घर आउने बित्तिकै एउटा सरप्राइज, मलाई भेट्नु चाहिँ हाम्रो अभिषेक आएको रहेछ। यहीँ छ न भाइ, ह्यान्डसमै छ सो, अन्त यो आएको रहेछ मलाई भेट्नु, यु टु से समथिङ इन माई ब्लग। अभिषेकले जे भन्नु चाहिँ के खोजेको, जे भन्यो त्यही थियो हो, तपाईँले सुन्नुभयो होला। ओके सो अलराइट गाइज, अहिलेको सिन चाहिँ अब के भन्नु, म चाहिँ एकछिनलाई सुतेको थिएँ कि अनफर्चुनेटली, निदाखै भइछु हो, बिकज अफ विच मैले बिबिचमा अलिकति एउटा सानो क्लिप निकालेको भए नि, आई थिङ्क आजको टाइम म्यानेजमेन्ट पर्फेक्ट हुन्थ्यो, तर मैले निदाको कारणले त्यो एउटा सानो क्लिप चाहिँ मैले बनाउन सकिनँ हो, इभिनिङ टाइमको भनौँ न, दो अहिले पनि इभिनिङ नै छ तर अँध्यारो भइसकेको छ, आमा उठ्दा नि रिङ्गटा लाग्छ होइन। लेट मी शो यू, बाहिरपट्टि चाहिँ अहिले काफी अन्धेरा हो चुका है, जैसे कि आप देख ही सकते है, काफी अन्धेरा हो चुका है, टाइम चाहिँ अल्दो त्यस्तो बेसी होइन, 6:30 हुँदैछ हो, सो आई थिङ्क अब मेरो दिनको अलमोस्ट रेगुलर अपडेट मैले दिनु सकिहालेँ तपाईँलाई है, खालि एउटा पार्ट मिस भयो इभिनिङ सनसेट टाइमको, त्यो पनि म नेक्स्ट टाइमदेखि दिने ट्राई गर्छु, त्यो चाहिँ मलाई स्पेसल लाग्छ सनसेटको टाइममा चाहिँ अलिकति भ्लग गर्नु कि, बट त्यही चाहिँ अब आज सुतेकै भएछ, डोन्ट माइन्ड हो। अनि यति भन्दै आई थिङ्क भिडियोलाई बेसी लामो पनि नबनाऊ है, अनि दिस वाज अल अबाउट बी ब्लग्स, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ, बाई बाई।